वो आसमान से नहीं आए, वो खुली गुमराही फैलाकर आसमान पर नहीं जाएगा। जो खुली गुमराही लेकर आया वो अर्श से नहीं आया है, वो गुमराही फैलाकर अर्श पर नहीं जाएगा। जो खुली गुमराही लेकर आया वो मुकाम महमूद से नहीं आया है, वो खुली गुमराही फैलाकर मुकाम महमूद पर नहीं जा सकता। जो खुली गुमराही लेकर आया वो कुर्सी से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर कुर्सी पर नहीं जाएगा। जो खुली गुमराही लेकर आया वो मकानन अलिया से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर मकानन अलिया पर नहीं जाएगा। जो खुली गुमराही लेकर आया वो इल्लीयीन से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर इल्लीयीन पर नहीं जाएगा। जो खुली गुमराही लेकर आया है वो दारुस्सलाम से नहीं आया, वो गुमराही फैलाकर उसकी निजस रूह दारुस्सलाम पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो बैतुल मामूर से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निजस रूप बैतुल मामूर में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो लौह महफूज से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निजस रूप लौह महफूज में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया जन्नतुल मावा से नहीं आया, वो गुमराही फैलाकर उस निजस रूप की जन्नतुल मावा में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो सराज मुनीर से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप सराज मुनीर में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो सूर्य से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप सूर्य में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो नूर नला नूर से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप नूर नला नूर में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो मस्जिद अक्सा से नहीं आया, वो गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप मस्जिद अक्सा में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो तारक सितारे से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप तारक सितारे पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो नजम साकिब से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उस निज स्वरूप नजम साकिब पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो कौकब दुर्रियन से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप कौकब दुर्रियन पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो अल मिसबा से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उस निज स्वरूप अल मिसबा पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो नूर नला नूर से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप नूर नला नूर में नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया है वो आहत मालूम वाला माजरा से नहीं आया है, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप आहत मालूम वाला माजरा पर नहीं जा सकता। जो खुली गुमराही लेकर आया वो यातुल कुबरा पर से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप यातुल कुबरा पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो हाज अकबर से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप हाज अकबर पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो बादशाहों के बादशाह शहनशाह को शहनशाह लौलाक से नहीं आया है, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप लौलाक पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया है वो जिंदगी के दरख्त से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप जिंदगी के दरख्त पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया वो जब कवजह रब्बे का जुल जलाल वाले इकराम से नहीं आया है, वो गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप वजब कवजह रब्बे का जुल जलाल वाले इकराम पर नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया है वह तबारक इस्म रब्बे का जुल जलाल वाले इकराम से नहीं आया है, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप तबारक इस्म रब्बे का जुल जलाल वाले इकराम के पास नहीं जा सकती। जो खुली गुमराही लेकर आया है वो अल्लाह ताला के पास से नहीं आया, वो खुली गुमराही फैलाकर उसकी निज स्वरूप अल्लाह ताला के पास नहीं जा सकती। उसकी निज स्वरूप के लिए आसमान के सब दरवाजे बंद हैं, इसकी निज स्वरूप के आसमान के सब दरवाजे बंद हैं, वो आसमान पर बिल्कुल नहीं जा सकती। आसमान के सब दरवाजे बंद है, निजी स्वरूप के लिए आसमान के सब दरवाजे बंद है, उसकी निजी स्वरूप आसमान पर जा ही नहीं सकती, वो कहीं और जाए। जो खुली गुमराही लेकर आया वो हकीकत में शैतान मर्दूद है, जो खुली गुमराही लेकर आया है वो हकीकत में शैतान मर्दूद है, उसके ऊपर क्यामत के दिन तक लानत है। वो जन्नतुल मावा से निकाला हुआ है, वो दारुल सलाम से निकाला हुआ है, वो बैतुल मामूर से निकाला हुआ है, वो मुकाम महमूद से निकाला हुआ है, वो लोहे महफूज से निकाला हुआ है, वो अर्श अजीम से निकाला हुआ, वो कुर्सी कुदस से निकाला हुआ, वो मस्जिद अक्सा से निकाला हुआ, वो सराज मुनीर से निकाला हुआ, वो सूरी से निकाला हुआ, वो नूर नला नूर से निकाला हुआ। एक चीज तो निकाले,
मैं तो इबादत कर रहा हूँ। नूर से निकाला हुआ, वो मकान नालिया से निकाला हुआ, वो नींद से निकाला हुआ, वो जिंदगी के दरख्त से निकाला हुआ, वो तारे सितारे से निकाला हुआ, वो अनज मुसाकिब से निकाला हुआ, वो कौकबुन दुरुयम से निकाला हुआ, वल मिसबाह से निकाला हुआ, वो यातुल कुबरा से निकाला हुआ, फहाद अकबर से निकाला हुआ, वो आफात वारून वला माजरा से निकाला हुआ। इसके लिए आसमान के सब दरवाजे बंद हैं, आसमान के दरवाजे जमीन के, आसमान के सब दरवाजे बंद है। जो शैतान, जो शख्स शैतान मरदूद की पैरवी करेगा, उसके निजस रूह के लिए भी आसमान के सब दरवाजे बंद ही होंगे। पाकुब की रूहें, पाकुब की रूहों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले अपने नूर से पैदा किया है। पाकुब की रूहों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से जमीन और आसमानों की पैदाइश से पहले अपने नूर से पैदा किया है। वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, खल्क किया, फिर खल्क किया। इसलिए तो पाको पकीदा रूहें जमीन और आसमान की खलकत की गवाह हैं। पाको पकीदा रूहें जमीनों को आसमानों की खलकत की गवाह हैं, और अपनी जानों की गवाह है, और अपनी जानों की गवाह है। अल्लाह ताला का कुव्वत बाजू भी है, अल्लाह ताला कुव्वत बाजू भी है। अल्लाह ताला ने फिर अपने अर्श अज़ीम पर करार पकड़कर जमीन और आसमानों को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है खल किया, यानी सब सितारे, सब सियारे, लेकिन निजस और नापाक रूहों को अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों की खलकत के बाद पैदा किया, लेकिन निजस और नापाक रूहों को जमीन और आसमानों की खलकत के बाद पैदा किया, जमीन और आसमानों की खलकत बाद पैदा किया, और वो भी इंसान की तखलीक से पहले पैदा किया, कोई थोड़ा सा वक्त पहले पैदा किया। इन निजस और नापाक रूहों को अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों के वक्त पैदा करने के वक्त गवाह नहीं बनाया था। इन निजस रूहों को अल्लाह ताला ने, इन निजस और नापाक रूहों को अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों के वक्त पैदा करने के वक्त गवाह नहीं बनाया था, और ना पैदा करने जानो इनकी के गवाह बनाया था। अल्लाह ताला गुमराह करने वालों और फसाद करने वालों को अपना कुव्वत बालू नहीं बनाता, और ना इनसे अपना कोई काम लेता है, ना इनसे अपना कोई काम लेता है। कह परवरदिगार मेरा खूब जानता है, उस शख्स को जो हदायत लेकर आया है वो आसमान से आया है, वो हदायत देकर आसमान पर चलेगा, चला जाएगा, फिर क्यामत को आसमान से आएगा, फिर क्यामत को आसमान पर चला जाएगा, और अब तक आसमान पर अल्लाह ताला की खूब बात कहेगा और उसका शरीक किसी को नहीं ठहराएगा। क्या परवरदिगार मेरा खूब जानता है, वो शख्स को जो खुली गुमराही लेकर आया है वो आसमान से नहीं आया है, वो गुमराही फैलाकर आसमान पर नहीं जाएगा, वो दोजख से आया वो गुमराही फैलाकर दोजख में चला जाएगा, वो सिद्दीकीन से आया वो सिद्दीकीन से आया वो सिद्दीकीन में चला जाएगा। क्या परवरदिगार मेरा खूब जानता है, वो शख्स जो खुली गुमराही लेकर आया है उसकी निजस रूह सिद्दीकीन से आई है, वो गुमराही फैलाकर सिद्दीकीन में चला जाएगा। उसकी निजस रूह आग से पैदा हुई है, उसकी निजस रूह आग से पैदा हुई है और आग में चली गई। बेशक अल्लाह ताला जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक फर्ज किया है, कुरान पाक का फराइज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जहां से आया है वहां ले जाने वाला है, जहां से आया है वहां ले जाने वाला है। आप आसमान से आया है और आसमान पर जाने वाला है, यानी तेरी रूह पाक को आसमान पर ले जाने वाला है, जहां तू पहले था, जहां तेरी रूह पाक पहले थी, जहां से तेरी रूह पाक हदायत लेकर आई है वहां ले जाने वाला है। ला रातु का इलामात का मतलब यही है। दुरूद पाक हो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक से तक करने हैं, ऐसे इतना लिए अच्छे तक बस ये टाइम बहुत हो गया। हां जी, कितने हैं? दो लेक्चर अभी रह गए। हां माशाल्लाह, बस तुझको वापस ले जाने वाला हूँ, बस तुझको वापस ले जाने वाला हूँ, बस तुझको वफात देने वाला हूँ, अपने गुरब में ले जाने वाला हूँ, अपने मुकाम महमूद में ले जाने वाला हूँ, मुकाम अलाईन में ले जाने वाला हूँ, मकान अलिया में ले जाने वाला हूँ, दार सलाम में ले जाने वाला हूँ, लोहे महफूज में ले जाने वाला हूँ, मजे रक्षा में ले जाने वाला हूँ, अर्श अज़ीम पर ले जाने वाला हूँ, उसी कुदरत पर ले जाने वाला हूँ, जन्नत अदन में ले जाने वाला हूँ, जन्नत नईम में ले जाने वाला हूँ, अपने नूर में ले जाने वाला हूँ, नूर नला नूर में ले जाने वाला हूँ, सराज मुनीर में ले जाने वाला हूँ, सूरज में ले जाने वाला हूँ,
बैतुल मामूर में ले जाने वाला हूँ, लौलाक में ले जाने वाला हूँ, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, लौलाक में ले जाने वाला हूँ, तारक सितारे में ले जाने वाला हूँ, अन्नज मुसाफिर में ले जाने वाला हूँ, कौकब दुर्रियों में ले जाने वाला हूँ, आफा तो मारून और मा यरा में ले जाने वाला हूँ, आयातुल कुबरा में ले जाने वाला हूँ, हाज अकबर में ले जाने वाला हूँ, जिंदगी के दरख्त में ले जाने वाला हूँ, जहाँ से जहाँ तू पहले था वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करता था, अल्लाह ताला की हम्द मुकाम महमूद में करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द की वजह से अल्लाह ताला ने उस मुकाम का नाम मुकाम महमूद रख दिया।